सब्सक्राइब करंतु एबे हमर चैनल को प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मनकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण, बंधुगण आपण मनकु हमर YouTube चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम आपण मनक पई किछि महत ओ ज्ञानपूर्ण अनुचिंत वीडियो नै करि आसीछु, जहा बंधुगण आपण मनक पई जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे बंधुगण आसंतु आजर अनुचिंत वीडियो को आरंभ करिबा। बंधुगण सर्वदा मन रखिथिबे प्लास्टिक बोतल रे किंबा लुहा एवं आलुमिनियम बोतल रे केबे भी गंगा जल रखिबा उचित नुहो। एहा तंबा पात्र रे रखिबा द्वारा शुभप्रद होई थाए। मन रखिबे बंधुगण माता दुर्गा को पूजा करिबा समय रे केबे भी दुबो अर्पण करिबा उचित नुहो। ठीक सेही परि भगवान गणेश को पूजा समय रे दुबो अर्पण कले एहा आपणक पई अत्यंत कल्याणकारी होई थाए। एकादशी द्वादशी संक्रांति रविवार एवं संध्या समय रे केबे भी तुलसी पत्र छिंडेबा उचित नुह। एहा अत्यंत अशुभ एवं अमंगलकारी होई थाए। तुलसी पत्र 11 दिन पर्यंत बासी होई न थाए। एहा उपरे जलसिंचन करी ठाकुरंकु अर्पण करा जाय थाए। बंधुगण मने रखिथिबे तुलसी पत्र को केबे भी अगाधुआ तोळीबा उचित नुह एवं न गाधोई तुलसी पत्र तुली ठाकुर को अर्पण कले ताहा केबे भगवान स्वीकार करी न थांती। महादेव को गणेश को एवं भैरव को केबे भी तुलसी पत्र अर्पण करिबा उचित नुह एवं सूर्य को शंखरे जलार्घ्य करिबा मध्य केबे भी उचित होई न थाए। ठाकुर को पूजा करिबा समय रे दक्षिणा निश्चिंत रूपे अर्पण करिबा उचित। एहा शुभ हेबा सहित आपणक मनस्कामना पूरण होइथाय एवं सफलता मध्य आपणकु प्राप्त होइथाय। माता लक्ष्मी को पूजा करिबा समय रे पद्म फूल अर्पण कले एहा आपणक पई अत्यंत मंगलकारी होइथाय एवं पद्म फूल को 5 दिन पर्यंत जलसिंचन करी पूजा कार्य रे लगा मध्य जाइपरे। पूजा समय रे केबे भी दीपरु दीप को प्रज्वलन करिबा उचित नुह। एहा अशुभ अमंगलकारी हेबा सहित एपरी कले रोगाग्रस्त हेबार संभावना मध्य रही थाए। सूर्यास्त परे केबे भी गच्छ बा वृक्ष रे पानी देबा उचित नुह किंबा गच्छ को छुईबा पत्र छिंडेबा मध्य अनुचित। एहा अशुभ एवं अमंगलकारी होइथाए। सूर्यास्त परे केबे भी कपड़ा धोइबा किंबा सुखेबा मध्य अनुचित। एहा अशुभ होइथाए। नकारात्मकता वृद्धि पाइबा सहित रोगग्रस्त हेबार संभावना मध्य रही थाए। सूर्यास्त परे केबे भी खाद्य द्रव्य पानीय जल को खोला रखिबा उचित नुह किंबा भल भाबरे ढांकी के रखिबा उचित। एहा द्वारा खाद्यर नकारात्मकता वृद्धि पाइथाए। गरुड़ा पुराण अनुसारे सूर्यास्त परे केबे भी मृत व्यक्तिंकर अंतिम संस्कार करिबा उचित नुह। एहा द्वारा परलोकरे तांकु कष्ट हेबा सहित आगामी जन्मरे तांकर अंग खराब होइथाए। बंधुगण मने रखिथिबे सूर्यास्त परे चाउल किंबा दही खाइबा उचित नुह। दही दान करिबा मध्य अनुचित। एहा शुभ हेबा सहित घरे सुख समृद्धि मध्य कम होइथाए। सूर्यास्त परे घरे केबे भी झाड़ू पोछा इत्यादि करिबा उचित नुह। एहा अशुभ हेबा सहित घरे धनहानि मध्य होइथाए। सूर्यास्त समय रे सूर्यास्त ठीक परे केबे भी सोइबा खाद्य खाइबा उचित नुह। एहा द्वारा स्वास्थ्य समस्या देखा देबा सहित घरे धनहानि मध्य होइथाए। मान्यता अनुसारे निजो थारु बड़ लोकंकर पाद छुई प्रणाम करिबा द्वारा शरीर रे सकारात्मक शक्तिर संचार होइथाए, जहा फळरे जीवन रे सुख समृद्धि एवं सौभाग्य मध्य प्राप्त होइथाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे निजो थारु बड़ लोकंक पाद छुईबा द्वारा नवग्रह जनित दोष दूर हेबा सहित ग्रह मानंकर शुभ फल मध्य प्राप्त होइथाए। मान्यता अनुसारे पितांक चरण स्पर्श करी प्रणाम करिले कुंडली रे सूर्य मजबूत हेबा सहित सूर्यंकर फल प्राप्ति होइथाए। मां जेजेमा नानी माउसी पिउसी खुड़ी एवं शाशु इत्यादि मानंक पाद छुई प्रणाम करिबा द्वारा जातकरे चंद्र मजबूत हेबा सहित चंद्रंकर शुभ फल मध्य प्राप्त होइथाए।
बड़ भाई पाद छुईले कुंडली रे मंगल ग्रह मजबूत होता है। बड़ भौणी पाद छुईवा द्वारा बुध ग्रहर शुभ फल आपण को प्राप्त होता है। साधु संथ सन्यासी गुरु ब्राह्मण पाद छुईवा द्वारा बृहस्पति शुभ फल प्राप्त होता है। वृद्ध लोक पाद छुईवा द्वारा केतु शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्र अनुसार श्मशानु शव संस्कार कर फेर लोक प्रणाम करने उचित केबे भी होई न थाए। एहा द्वारा आशीर्वाद केबे भी प्राप्त होई न थाए। पूजा कार्य मग्न थिबा लोकंकु प्रणाम करिबा उचित नुह, एहा द्वारा विघ्न होई थाए। ध्यान अवस्था रे लोकंकु केबे भी प्रणाम करिबा उचित होई न थाए। सोइबा अवस्था रे केबे भी कौनसी लोकंकु प्रणाम करिबा उचित नुह, एहा अत्यंत अशुभ एवं अमंगलकारी होई थाए। ठाकुर पूजा करिबा समय रे केबे भी नील किंबा कला वस्त्र धारण करिबा उचित नुह, एहा अत्यंत अशुभ एवं अमंगलकारी होइथाय। जदि घरे कौनसी कारणरु कळी झगडा हेउथे तेबे सेही समय रे ठाकुरंकु पूजा करिबा उचित नुह, एहा अत्यंत अमंगलकारी होइथाय। ठाकुरंकु पूजा करिबा समय रे जदि लाइन कटि जाए किंबा अंधार रे ठाकुरंकु मूर्ति को छुईबा उचित नुह, एहा अमंगलकारी हेबा सहित महापातक दोष मध्ये एपरि हेले आपणंकु लागी थाए। मने रखिबे स्त्री लोकंकर नाभि को केबे छुईबा उचित नुह, एहा अशुभ होइथाय। धनर अभाव देखा देबा सहित घरे दरिद्रता मध्ये सर्वदा देखा देइथाय। घरे पैसा रखुतबा स्थान रे किंबा स्वर्ण अलंकार रखुतबा स्थान रे केबे भी झाड़ू कला कपड़ा रखिबा उचित नुह, एहा अशुभ एवं अमंगलकारी होइथाय। मने रखिबे पैसा रखुतबा स्थान रे केबे भी अइंठा बासन रखिबा उचित नुह, किंबा अइंठा हाथ रे पैसा रखुतबा जगा को स्पर्श करिबा उचित नुह, एहा अशुभ हेबा सहित धन हानि मध्य होइथाय। जदि जीवन रे अजाणत रे शत्रु भय रहुथाय तेबे शिवलिंग उपरे सोरिष तेल अर्पण करिबा द्वारा एहा मंगलकारी होइथाय। गुप्त शत्रु भय मध्य दूर होइथाय। शिवलिंग उपरे चाउल अर्पण करिबा अत्यंत मंगलकारी होइथाय। धन प्राप्ति हेबा सहित मान सम्मान मध्य प्राप्त होइथाय। बंधुगण मने रखिबे शिवलिंग उपरे जल अर्पण करिबा द्वारा ग्रह दोष दूर होइथाय। शारीरिक अथवा मानसिक पाप नष्ट हेबा सहित धन प्राप्ति मध्य होइथाय। शिवलिंग उपरे क्षीर अर्पण करिबा द्वारा कळी झगडा दूर हेबा सहित जश प्राप्ति एवं धन प्राप्ति मध्य होइथाय। शिवलिंग उपरे महु अर्पण करिबा अत्यंत मंगलकारी होइथाय। पुरातन रोग व्याधि दूर हेबा सहित शरीर सुस्थ मध्य होइथाय। आशा करूछि बंधुगण आज अनुचिंत भिडियोटी आपण मानक निहाती भल लगिथिबो। भिडियो भल लगिथिले भिडियो को लाइक करंतु। आउ जदि चैनल आपण नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु। धन्यवाद।